मजबूत लाइट है, बहुत मजा आ रहा है सर। सो हमने लेफ्ट फॉर द लकड़ी के सुपीरियर मस्त लाइट है भाई, मत करो भाई, मजबूत लाइट है मस्त, बहुत मजा आया मेरा। कौन सा मतलब बहुत लाइट लगता है सर 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 बहुत लाइट लगता है सर सर लुक सेंटर एक बार और वी क्लास है यहां पे सर 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 अरे रुकना है थैंक यू सर। सिद्धार्थ रितेश सिद्धवानी अपने देखिए पीछे
बहुत कमाल, शानदार फिल्म, बहुत ही शानदार फिल्म बनाई है कबीर खान ने, और ये सलमान की मुझे लगता है उनके करियर की बेस्ट फिल्म और उनके करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस है। बहुत ही लाजवाब फिल्म है और मैं कहूँगा कि हर एक इंसान को ये फिल्म देखनी चाहिए, बार बार देखनी चाहिए। दिल खुश हो गया मेरा ये फिल्म देख के। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा लेखक का, डायरेक्टर का, पूरी टीम का। वो बच्ची ने काम किया, लाजवाब काम किया वो बच्ची ने, और सलमान ने, कबीर ने, मतलब एक बहुत अरसे के बाद मैं इतनी बेहतरीन फिल्म, इतनी जज्बाती फिल्म देख रहा हूँ। बहुत बहुत मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। देखिए सलमान तो हमेशा बहुत ही लोकप्रिय रहे हैं, बहुत ही पॉपुलर रहे हैं। मुझे लगता है इस फिल्म के बाद उनकी जो पॉपुलैरिटी वो 10 गुना और बढ़ जाएगी। बहुत 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 उनका असर होता है उनका परफॉर्मेंस का। इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया उन्होंने, इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है, इतना मज़ा आ रहा है मुझे इस वक्त। इतनी खुशी हो रही है। आई एम रियली प्राउड ऑफ सलमान एंड कबीर। कबीर इज़ अ वंडरफुल जॉब, जो डायरेक्टर हैं फिल्म के। जो बच्ची है उस बच्ची ने बड़ा काम अच्छा, उसका नाम क्या है बच्ची का, हर्षाली मल्होत्रा, हर्षाली मल्होत्रा ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। तो सारी टीम को मेरी तरफ से मुबारकबाद, बधाइयाँ। ये फिल्म मैं कम से कम 10 दफ़ा देखूँगा और बहुत मज़ा आ गया मुझे। नवाजुद्दीन का क्या कमाल का काम नवाजुद्दीन का काम, वो आपका काम किया उसने, रिपोर्टर का काम किया, बहुत ही बेहतरीन काम किया उसने नवाजुद्दीन ने। हर एक इंसान ने, देखिए छोटा बड़ा हर रोल इसमें, करीना ने अच्छा काम किया है और हर एक एक्टर ने इसमें अच्छा काम किया। छोटे से छोटे रोल भी, किरदार भी आते हैं। जब फिल्म अच्छी बनती है तो उसमें फिर हर किरदार का काम अच्छा होता है, और यही हमें इस फिल्म में देखने को मिल रहा है। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, बहुत ही बेहतरीन फिल्म। ये फिल्म उतरेगी नहीं। मैं आपको बताऊंगा कलेक्शन के बारे में। इस फिल्म में कलेक्शन मायने नहीं रखते, इतनी कमाल की फिल्म है ये, और ये एक ह्यूमैनिटी की फिल्म है, इंसानियत की फिल्म है, तो कलेक्शन का इसमें मायने नहीं रखते। लेकिन आपने पूछा तो मैं बताऊंगा। मेरे हिसाब से ये सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, और मुझे बड़ी खुशी होगी कि पीके की रिकॉर्ड इस फिल्म से टूटे, बेहद खुशी होगी मुझे। सलमान का हर सीन इस फिल्म में अच्छा, बहुत ही बेहतरीन, हर सीन उनका इस फिल्म में बहुत ही बेहतरीन है। और इस फिल्म की लिखाई ख़ास तौर से बहुत ही अच्छी है। जो इसकी कहानी है, जो इसके डायलॉग्स हैं, जो हर एक लम्हा, हर एक मोमेंट है इस फिल्म का, बहुत ही कमाल का है। तो मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है इस वक्त, मैंने बहुत ही अच्छी फिल्म देखी है, और मैं इसी वक्त जाऊँगा सलमान से मिलने। पार्टी पता नहीं चल रही है, नहीं चल रही है, अगर वो सो रहे हैं तो मैं उनको उठाऊँगा। देखिए पॉजिटिव फिल्म तो हमेशा बननी चाहिए, एंड आई थिंक के ये बहुत ही एक पॉजिटिव फिल्म ज़रूर है, इंसानियत के बारे में फिल्म है। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, आप फिल्म देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इस वक्त मैं बड़े अलग मूड में हूँ, हम लोग किसी और दिन किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। पिक्चर देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत मूड हुए। सेकंड हाफ को बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और रोए भी, मतलब खुशी से रोए कि बहुत अच्छा लग रहा था। पिक्चर बहुत अच्छी पिक्चर है, बहुत हिट पिक्चर है, और इंडियन और इंडिया और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा, ऐसी पिक्चर ही बनेगी। तो सलमान का स्टूड बहुत अच्छा किया, सर रुलाया, हंसाया, सब किया, बहुत अच्छा। बिल्कुल एक बिल्कुल नया सलमान, परफॉर्म वेरी वेल, सुपर परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा किया सलमान। व्हाट अबाउट द
The little girl was very sweet, and that was the beauty of the film, because your heart reaches out to her. मतलब दिल इतना उसे जाता है उसकी तरफ, बच्ची की तरफ. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कास्टिंग भी. उसकी लुक इतनी प्यारी है, बहुत अच्छी. अभी तो फिलहाल मेरी एक चिनार पिक्चर रेडी है, तो वो जल्दी लगेगी. तो अगर वो हिट हो गई, अगर अल्लाह ने चाह, तो फिर एक्टिंग की तरफ भी जाएंगे थोड़े साल, और फिर डायरेक्शन की तरफ भी जाएंगे आगे इंशाल्लाह. तो ऐसा है कि फिलहाल थोड़ा एक्टिंग की तरफ भी कॉन्सेंट्रेट करें. चिनार पिक्चर आएगी, लगेगी इंशाल्लाह जल्दी. तैयार है पिक्चर, रिलीज़ अभी फाइनल होगी जब कोई डिस्ट्रीब्यूटर ले लेगा. अभी डिस्ट्रीब्यूटर को दिखाना शुरू करेंगे, तो जैसे ही कोई डिस्ट्रीब्यूटर लेता है फिर वो रिलीज डेट फिक्स हो जाएगी. तो आई वॉन्ट एवरी वन टू प्रे फॉर मी. आज ईद का दिन है, हमारी मुबारकबाद और शुभकामनाएं. शुक्रिया. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. Come on, there's the fire.